हमारे बेसिक के कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों को इस बार विज्ञान भारती की अभ्यास पुस्तिकाएं प्राप्त हुई हैं। इन अभ्यास पुस्तिकाओं के माध्यम से हमारे बच्चे जो भी कार्य इन्होंने विज्ञान में किया है तो उसकी पुनरावृत्ति वे कर सकते हैं। तो आइए विज्ञान भारती की अभ्यास पुस्तिका में इकाई 7 जीवों में अनुकूलन को आज हम की हम पुनरावृत्ति करेंगे। तो आज इस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। पहला प्रश्न है, राजू ने एक धारा रेखित एवं चिकने शरीर वाले जीव को देखा, उस जीव का वास स्थान है क्या होगा, बताओ बच्चों। पानी होगा, ठीक है। धारा रेखित होता है ना उनका शरीर, जैसे कि मछली। जलीय पौधा है, जल में कौन सा पौधा, सिंघाड़ा। सामान्यतः मछली सांस लेती है, किससे लेती है, गिल्स द्वारा। यस, गिल्स को गलफड़े भी कहते हैं। मेंढक रहता है जल में, स्थल में, वेरी गुड। मरुस्थलीय पौधों में जड़ें, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं रेगिस्तान वगैरह में, उनमें कैसी होती हैं जड़ें, अधिक विकसित होती हैं, अनुपस्थित होती हैं, कम विकसित होती हैं या नहीं होती हैं, अधिक होती हैं, बहुत गहराई तक होती हैं ना वो। अब हम रिक्त स्थान भी भरेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाइड्रिला एक कैसा पौधा है बच्चों, जलीय पौधा है। मेंढक एक डैश जंतु है, कैसा है, उभयचर, दोनों जगह रहता है ना, कहाँ कहाँ, जल और स्थल दोनों में। मछली जल में घुली ऑक्सीजन को किसके द्वारा ग्रहण करती है, गिल्स के द्वारा। अगला है, जल और स्थल दोनों में रहने वाले जंतु को क्या कहते हैं, मेंढक नहीं उभयचर। पक्षियों की अस्थियां कैसी होती हैं, खोखली। हाँ, खोखली होती हैं वो, जिससे उनके जो भार होता है शरीर का। अब सही गलत, मरुस्थलीय पौधे में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, सही गलत, सही गलत। नीम, आम, बबूल, अमरूद मरुस्थलीय वृक्ष हैं, गलत। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं, यस, यस सही। जलीय पौधे हल्के व स्पंजी होते हैं, यस, यस। उनमें हवा रहती है ना, हमारी मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां मांसल व कांटों के रूप में पाई जाती हैं, सही है। अब हमें ये सुमेलित करने हैं, स्तंभ का को खा से, मछली गिल्स, जलकुंभी जलीय पौधा है, मेंढक उभयचर, नागफनी पत्तियां कांटों में परिवर्तित, पक्षी खोखली, ये खोखली लिख रखा है ना, हाँ ये खोखली हो जाएगा है ना, खोखली खोखली अस्थि, ठीक है।